पढ़ाई में अव्वल, क्वालिफिकेशन हाई, लेकिन पेशा लुटेरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक होनहार एमबीए छात्र की। बिहार में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले इस युवक पर आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा कि प्रेमिका के शौक पूरा करने के लिए खुद लुटेरा बन गया। एमबीए कर युवक राजधानी एक्सप्रेस में लूट का मास्टरमाइंड बन बैठा। मूल रूप से कानपुर के चकेरी एचएएल निवासी अक्षय सक्सेना पढ़ाई में अव्वल रहा है। एमबीए करने के बाद अक्षय बिहार के किशनगंज में एक कंपनी पर अच्छे पद पर ज्वाइन कर लिया। इसी बीच अक्षय का एक युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेमिका के शौक को पूरा करने के लिए अक्षय लुटेरा और चोर बन गया। बिहार से डिब्रूगढ़ राजधानी में टिकट कटाने के बाद वो रास्ते में अपने कोच को छोड़कर दूसरे कोचों से यात्रियों के बैग, सूटकेस आदि सामान गायब कर देता था। कोई देख लेता था तो कूद कर भाग जाता था। आपको बता दें कि राजधानी में लगातार चोरी और लूट की घटना से अधिकारी सख्ते में आ गए और फिर जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद घटना का खुलासा हो सका। आपको बता दें कि सीओ जीआरपी ने बताया कि लुटेरा एमबीए छात्र है और आपराधिक घटना में शामिल है। इतना ही नहीं, जानकारी आगे की जो है वो बताया जाएगा। ये चोर पढ़ा लिखा है और किशनगंज में इंडेग्रो फूड करके है, जिसमें मीट की फैक्ट्री होती है, उसी में ये काम करता है। ये रहने वाला मूल रूप से कानपुर के चकेरी क्षेत्र का है। इधर पिछले महीने राजधानी डिब्रूगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी में चोरी की 3 घटनाएं हुई और इस माह भी 8 सितंबर को फिर उसी राजधानी डिब्रूगढ़ राजधानी में फिर चोरी की घटना हुई। ये सारी एसी कोच में घटनाएं हो रही थी तो हम लोग भी चिंतित हुए। काफ़ी अधिकारियों ने भी चिंता प्रकट करी कि भाई राजधानी जैसे सुरक्षित ट्रेन में बार बार हो रहा है, तो उसको फिर हम लोगों ने अध्ययन किया कि आखिर ऐसा क्या है कि उसमें कौन सा आदमी चल रहा है जो बार बार ऐसी घटनाएं कर रहे थे। तो जिन डेटों में चोरी हुई उनका हम लोगों ने पूरा रिजर्वेशन चार्ट मंगाया, पूरे मोबाइल नंबरों के अध्ययन किए, फिर यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा गया कि कौन आदमी ऐसा है जो उतर रहा है लेके। तो इस पर हम लोगों ने फिर सीसीटीवी फुटेज और इससे एक आदमी को टारगेट किया कि ये आदमी आ रहा है। फिर उसको जब पकड़ा गया तो ये यही व्यक्ति था। तो उसके पास से तो तुरंत इस बार वाली जो चोरी हुई थी वो पूरा बैग, ये बैग था लाल कलर का, ये बैग और सब सामान इसमें का पूरा मिल गया। करीब 1,50,000 रुपये इसमें था, तो 25,000 रुपये करीब तो वो ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को जेड स्क्वायर में ख़रीदारी करवा दिया। 1,25,000 रुपये कैश मिला इससे और जो भी और भी सामान थे सब पूरा मिल गया। फिर इसे पूछताछ हुई तो और भी सामान इसने अपने घर से ले जाके जो पिछले महीने चोरी की थी राजधानी में उसके भी सब सारे सामान मिल गए। ये ट्राली बैग मिल गया, एक लैपटॉप, एक यात्री का लैपटॉप चोरी हुआ था तो लैपटॉप तो नहीं मिला लेकिन लैपटॉप का वो बैग इसके घर से मिल गया। और लैपटॉप इसने कहीं किसी को दे दिया है, अभी और पूछताछ करेंगे हम लोग किसको दिया है, कहाँ दिया है। अभी इससे पहले की कोई इसकी आपराधिक घटना का संज्ञान में नहीं आया है। ये किशनगंज में रहता था और खुद भी राजधानी में अपना रिजर्वेशन कराता था एसी कोच में, और उसी दौरान ही अपना देख लेता था कि कौन सा कानपुर आने से पहले कि किसका ट्राली बैग है, गेट के पास है, सुरक्षित जगह पे है। तो ये कानपुर आने से पहले उस ट्राली बैग को या बैग को खसका के एक दो कोच आगे ले जाके गेट के पास रख देता था। तो फिर जैसे कानपुर आता था तो अपना सामान उठाता था और गेट के पास जाके वो भी सामान उठा के और लेके चुपके से उतर जाता। जिस कोच में चोरी होती थी वहाँ से नहीं उतरता था, ये 2-3 कोच आगे जाके उतरता था।